गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वाव आइडिया। मैं हूं सुमिता, आप सबकी दोस्त, और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए फैट कटर ड्रिंक। जी हां गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए मोटापा को घटाने यानी कि पेट यानी कि बेली फैट, हमारे बॉडी के कहीं भी किसी भी कोने में अगर फैट जमा हुआ है तो वो मक्खन की तरह चुटकियों में पिघल जाएगा। हाँ गाइज, आज जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत ही असरदार और बहुत ही अल्टीमेट नुस्खा है। अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आप लोग टाइम में सबको ये प्रॉब्लम है, बेली फैट की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के साथ तो कुछ ऐसा होता है कि वो लोग ज्यादा खाते भी नहीं है, थोड़ा सा। गाइस मेरे खुद के साथ ये प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा अच्छा से खाना शुरू कर दूं और मैं फटाफट वेट गेन कर लेती हूँ, मैं तुरंत मोटी होने लग जाती हूँ। तो इसके लिए मैं ये ड्रिंक पीती हूँ, तो उससे मेरे बॉडी फैट कंट्रोल में रहता है। मैं रेगुलर नहीं पीती हूँ, कुछ कुछ दिन के गैप में से पीती हूँ, बट इससे मेरा बॉडी फैट कंट्रोल हो जाता है। और मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, वो भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बेली फैट या बॉडी में कहीं भी फैट इकट्ठा नहीं होगा। गाइस आज मैं जो आपको ड्रिंक बताने वाली हूँ बहुत ही कमाल की, एकदम नेचुरल ड्रिंक बताने वाली हूँ। और वो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होंगे वो इजिली आपकी किचन में अवेलेबल होंगे, आप रोज डेली लाइफ में उसे यूज करते हो, वो मसाले हमेशा ही यूज करते हो, और ये 100% नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या यूज किया, मैं थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बनाने का प्रोसेस बताऊंगी। तो गाइस मैंने उसमें यूज किया है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, और पाइन यूज किया है। गाइस उसमें मैंने ये तीनों चीज मैंने मिक्स करके यूज की है। अगर आप चाहो तो कोई एक यानी कि जीरा या फिर सौंफ या फिर अजवाइन, तीनों में से कुछ एक भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा टेस्ट भी अच्छा है और रिजल्ट थोड़ा बेहतर आया, यानी कि बहुत जल्दी रिजल्ट है, इसीलिए मैंने तीनों चीज को मिक्स करके यूज किया। और मैंने खुद भी यूज किया है, ये काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, ये वाकई में असरदार है गाइस। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है। और ये सारी चीजों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ये हमारे बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल लेवल को खत्म करता है। जब हमारे बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल लेवल खत्म होता है तो फैट ऑटोमेटिक घटने लग जाता है। तो इसके लिए आपको न तो डाइटिंग करने की जरूरत है, ना ही एक्सरसाइज की जरूरत है। आपका मोटापा यूं चुटकियों में घट जाने वाला है। आप गाइज अब और वेट नहीं करना है आपको। तो गाइज आजकल की जो लाइफस्टाइल है लोगों की, इतने बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो जिम जाए, एक्सरसाइज करे या फिर वॉक पे भी जाए, इतना टाइम नहीं होता। तो गाइज हम कुछ हमेशा शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिले। तो गाइज जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ वो 15 दिन में ही आपको असर दिखेगा, बट 15 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइज पहले मैं प्रोसेस बता देती हूँ, पहले आप देख लीजिए कि ड्रिंक बनाना कैसे, फिर मैं मिलती हूँ आपको, बताती हूँ कि कैसे पीना है और कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते, देख लेते हैं ये कैसे बनाना है। गाइस सबसे पहले हमें सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, ये मैंने लिया, जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, और अजवाइन लिया है मैंने, और एक ग्लास मैंने नॉर्मल पानी लिया है। इसको मैं रात को भिगो रही हूँ, एक चम्मच अजवाइन लिया है, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, सबको एक ग्लास पानी में मैं भिगो दूँगी और रात भर के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप इस तरीके से भिगोना नहीं चाहते हैं तो आप इस तीनों चीज़ों को हल्का सा सेक के गर्म करके पाउडर बना के रख ले, और सुबह सुबह इसको गर्म पानी में एक चम्मच पाउडर एक गिलास पानी में डाल के एक से दो मिनट तक उबाले और इसे पी सकते हैं आप। इसको मैंने रात भर छोड़ दिया है, अब सुबह मैं इसे उबालूंगी यानी कि गर्म करूँगी यानी कि चाय बनाऊँगी। देखिए पानी का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा येलोइश हो जाएगा। अब मैं कोई भी एक गहरा बर्तन लेके इसमें पानी को हम बॉईल करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि पानी आधा जल जाए, मतलब पानी को हमें आधा हाफ कर देना है। एक गिलास पानी को हमें आधा से थोड़ा ज़्यादा रखना है, जला के उतना कर देना है। जब पानी अच्छी से जल जाए, क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए गाइस, तो सारी चीज़ों को अच्छी से बॉईल कर लेंगे। देखिए मेरा बॉईल आने लग गया है, पानी उबलने लग गया और कलर चेंज हो जाता है। और आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं, हनी से टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर आपको अजवाइन नहीं ऐड करना है तो अजवाइन की जगह आप दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं, दालचीनी से फ्लेवर यानी कि सिनामोन, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। आप उसकी स्टिक भी डाल सकते हैं या फिर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसे छान लूँगी मैं और इसे ठंडा होने का वेट करूँगी। इसको गुनगुना पीना है, बहुत गर्म नहीं पीना है और एकदम ठंडा भी नहीं पीना है, लिक्वॉर्म पीना है। और ये जो बच गया हमारा सौंफ अजवाइन और जीरे का जो मसाला, इसको आपको फेंकना नहीं, इसको एक चम्मच आपको पहले खा लेना है इसको ड्रिंक पीने के साथ, और बाकी को आप सुखा के वापस से अपने स्पाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बनाना सिखाया आपको। और गाइस अगर आपको ये वाला मेथड अगर आसान नहीं लगता है, अगर थोड़ा झमेला लगता है इसमें कि रोज रात को भिगोना पड़ेगा और ये जीरा
जो भी चीज बच जाती है बाद में उसको आप खा नहीं सकते और इतना सारा खा नहीं सकते और उसको वेस्ट करना या इतनी मेहनत कौन करे कि इसको सुखा के वापस से स्पाइसेस में यूज करे। तो गाइस इसका एक सरल आसान मतलब बहुत ही आसान मैं बता रही हूँ कि ये तीनों चीजों को आप अगर तीनों चीजें यूज करना चाहते हैं तो तीनों चीजों को सेम इक्वल क्वांटिटी में आप इसे ले लो, हल्का सा गर्म कर लो यानी कि सेक लो तवे पे, उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको पाउडर बना लो पीस के। इसको आप इजिली, आपको कुछ हमेला नहीं हुआ कि रात को उसको भिगो के रखना, आपको बस गर्म पानी लेना पड़ेगा, उसमें मिक्स करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट बॉईल करना पड़ेगा और उसको फिर हल्का ठंडा यानी गुनगुना लुकवार्म करके आपको पी लेना होगा। तो कोई झमेला नहीं है, इसको आपको पीना है दिन में 2 टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट और यानी कि आपको सोने से पहले आधे घंटे पहले पीना है, रात को सोने से पहले और ब्रेकफास्ट के आधे से 1 घंटे पहले आपको पीना है। और आपको सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करके फ्रेश होके आपको ये वाली ड्रिंक पी लेनी है, उसके आधे से 1 घंटे के बाद ही आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ये आपको 2 टाइम आपके लिए काफी है। अगर आपका एक्सेसिव बॉडी फैट है तो आप 3 टाइम इसे पी सकते हैं। जब भी आप ये बिफोर मील ही पीजिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले ही पीना है, सॉरी डिनर से पहले नहीं सोने से पहले पीना है रात को, ये रात को सोने से पहले असर करता है। और एक चीज और, रात को जब भी आप सोने जाए उसके एटलीस्ट 2 घंटे पहले 2 आवर्स पहले अपना डिनर ले ले आप, क्योंकि खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए। और कुछ टिप्स और भी मैं बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में फैट क्यों बढ़ता है। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी उनका फैट बहुत तेजी से बढ़ता जाता है, बहुत लोग जंक फूड ये समोसे गोलगप्पे बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं तो इससे तो वेट बढ़ता ही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक डिसाइड करना है हमारा कि हमें वीक में सिर्फ 2 डेज या 1 डे ही ये सारी चीजें खानी है, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है। आपको कुछ तो रूटीन बनानी पड़ेगी, अगर आप डेली बेसिस पे खाओगे तो मोटापा के साथ साथ आपके घर में बीमारियां भी आएगी, क्योंकि मोटापा सारी बीमारियों का जड़ होता है गाइस। और दूसरी बात, ये सारे जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, कि हमें खाना अच्छा लगता है तो हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एकदम ही नहीं खाना है, कभी कभी हम खा भी सकते हैं इस चीजों को। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आपको खाने की तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, कभी भी कुछ भी खाए, आप डिनर खाए लंच खाए या ब्रेकफास्ट खाए, आपको आधे घंटे के बाद ही पानी पीजिए, तुरंत पानी ना पिए। और आपको थोड़ा जंक फूड अवॉइड करना है। और एक छोटी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक पे नहीं जा सकते, तो आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रख सकते हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हो तो आप टीवी देखते देखते थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, 10 से 15 मिनट आप वॉक कर सकते हो। आप टीवी भी देख रहे हो, आपका वॉक भी हो जाएगा। जब आप फोन पे बातें करते हो तो फोन पे जब हम बातें करते किसी खास से, किसी क्लोज से, तो हमें काफी टाइम हो जाता है, 1 घंटे भी बात कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता टाइम कैसे बीत गया। तो हम बात करते करते अगर हम अपना वॉक भी कर लेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, दोनों काम हो जाएगा, हमारा वॉक भी हो जाएगा, हमारा हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा और हमारी बातें भी हो जाएगी। और तीसरी बात गई, जब हम किचन में कुकिंग करते तो भी हम वॉक करते करते कुकिंग कर सकते हैं, इससे भी हमारा वॉक हो जाएगा, तो हमें स्पेशल वॉक करने की जरूरत नहीं है। और गाइस अगर पॉसिबल हो तो जितनी बार भी हम कुछ खाए उसके बाद दस मिनट तक वॉक कर लेना चाहिए हमें, अगर तीनों टाइम पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऑफ काम होते हैं, हर टाइम पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम आप डिनर के बाद 10 मिनट का वॉक जरूर ले खाने के तुरंत बाद, वो आपके हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट लाता है, आपकी आपके फैट को कहीं भी जमने नहीं देगा और आप बहुत फिट फील करेंगे गाइस। फिट रहेंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, हमारे कोई बीमारियां नहीं आएगी। और गाइस ये सारी चीजों में आपको मैंने बताया कि फाइबर होता है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो कैलोरी को घटाता है गाइस, इसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट नहीं जमने देता ये। और जो सही हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है। जिनके जो लोग कम खाते हैं उसके बावजूद जो जिन लोगों का मोटापा बढ़ता है वो रीजन है मेटाबॉलिज्म, जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो चलती है, स्लो काम करता है, उनका मोटापा बढ़ जाता है इसीलिए गाइस। और कई बार हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमारे पेट में ब्लोटिंग होती है और हमारा पेट फूला सा लगता है, हमारे जी घबराता है, हमारा जी मिचलाता है, हमारे वॉमिटिंग सा लगता है, एसिडिटी हो जाती है। तो ये ड्रिंक आपको उन सब चीजों में भी काम आएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी काम आएगा, आपको एसिडिटी होने नहीं देगा, आपको आपका पेट को काफी टाइम तक भरा भरा लगेगा, आपको पेट भूख नहीं लगेगी, तो जिसकी वजह से आप कम खाएंगे। तो गाइज इसको आप पीजिए, अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा 1/2 से 1 चम्मच आप हनी मिक्स कर सकते हैं, हनी भी बॉडी लॉस के लिए बहुत अच्छा है और आपके टेस्ट को भी काफी बढ़ाता है।
अगर तीनों में से किसी चीज से आपको अगर प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को अजवाइन से प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को फाइल्स की प्रॉब्लम है प्लीज वो लोग अजवाइन नहीं खाए, क्योंकि अजवाइन गर्म होता है और उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अजवाइन। और जिनको ऐसे भी किसी को अजवाइन से अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज अजवाइन अवॉइड करें, अजवाइन ऐड नहीं करें, आपको उतना ही हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि अजवाइन आप ऐड नहीं करोगे तो आपको बॉडी वेट लॉस पे हेल्प नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। और अगर आप अजवाइन ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें दालचीनी के 1 से 2 इंच के टुकड़े या फिर उसको भी पाउडर बना के उसमें इसमें ऐड कीजिए, इस ड्रिंक में आप ऐड कीजिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, उसका भी सिमिलर रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका रिजल्ट बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है, 15 दिन में ही आपको रिजल्ट समझ में आएगा गाइज। अब आपको मोटापे के लिए परेशान नहीं होना है, नो मोर फैट, नो मोर चर्बी, आप एकदम स्लिम ट्रिम और बहुत स्मार्ट और बहुत कॉन्फिडेंट दिखने वाले हैं और बहुत हेल्दी भी दिखने वाले हैं। तो गाइज ये घरेलू नुस्खे को आप जरूर ट्राई कीजिए, इसमें आपका ना तो ज्यादा वक्त जाता है और जो छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई है वो टिप्स को भी प्लीज फॉलो जरूर करें, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपसे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी सारी ठीक हो जाएगी। और हाँ, जब भी आप खाना खाएं जो सौफ होता है यानी कि फेनल सीड, उसको सब बहुत सारे लोग माउथ फ्रेशनर की तरफ भी यूज करते हैं, तो जब भी आप कोई भी खाना खाएं आप उसको एक चम्मच ऐसे भी दिन भर में खाओ तो आपके पेट के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि सौफ बहुत ठंडा होता है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसका मैंने टोनर भी बताया था, अगर आपने टोनर का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी स्टोनर का वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज आप इसको खाने के बाद भी एक एक चम्मच अगर खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बढ़िया होता है, आपके आपकी सांसों से अगर स्मेल आती है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर, नेचुरल माउथ फ्रेशनर है और आपके साथ साथ आपकी बॉडी वेट भी कंट्रोल रहेगा। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है गाइज। आप अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आज के टाइम सबके साथ ये प्रॉब्लम है, ये सबको यूज कर सकते हैं गाइस, तो लड़के लड़की दोनों यूज कर सकते हैं गाइस। तो आप इस नुस्खे को जरूर यूज करके देखिए और आपको कैसा लगता है यूज करने का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरे नुस्खे से कुछ फायदा हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलना नहीं है आपको, और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल आपको लगता है तो प्लीज, आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस, प्लीज आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, आपका कुछ नहीं जाता और हमें मोटिवेशन मिल जाती है हमें। दोस्तों के साथ जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक डाल देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिए गाइज मेरा, मैं बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ तो आप जरूर चेक किया कीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो गाइज सब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।